चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पोटेंशियो मीटर वायर W1 एंड W2 ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF EP, करेक्ट है, EP है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, थ्रू टू स्विचेस S1 एंड S2, S1 ये है, S2 ये है, ठीक है, द बैटरी ऑफ EMF E, ये वाला, ठीक है, इज बैलेंस्ड ऑन दिस पोटेंशियल मीटर वायर W1 इज ऑफ रेजिस्टेंस 2R, इस वायर का रेजिस्टेंस है 2R, यहां से यहां तक का, ठीक है, और बैलेंस पॉइंट L/2 है, आधे पे है टोटल लेंथ। अच्छा, लेंथ दोनों की L दी हुई है क्वेश्चन में, ये ध्यान दो, दोनों की लेंथ जो है वो सेम दी हुई है, करेक्ट, और बैलेंस पॉइंट L/2, L/2 पे बैलेंस पॉइंट आया, करेक्ट। और उसके बाद क्या कह रहा है? जब S1 ऑन है और S2 ऑफ है, ठीक है, ऑन क्लोजिंग S2, अब इसको ऑन किया जा रहा है, उसको ऑफ किया जा रहा है, W2 इज फाउंड टू बी L/2, 2L/3, 2L/3 पे बैलेंस पॉइंट आता है, नल पॉइंट, इस पे नल पॉइंट यहां आ रहा था, नल पॉइंट, ठीक है, इस पे नल पॉइंट 2L/3 पे आ रहा है, करेक्ट है, करेक्ट। और तो इस वायर का रेजिस्टेंस W2 वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको हटा देते हैं ये सब, ठीक है, थोड़ा सा जो काम की चीजें बस वो रहने देते हैं, ठीक, जो मैंने ड्रॉ किया है ऑलरेडी, ठीक, अच्छा, इसको थोड़ा सा, ठीक, इसको रहने दिया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में प्राइमरी कॉइल का करंट का इक्वेशन क्या होता है? प्राइमरी कॉइल के करंट का इक्वेशन जो EMF होता है, जो हाई टेंशन बैटरी का EMF होता है, डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। यहां पर रियोस्टेट तो लगा नहीं है क्वेश्चन में कहीं, तो RH=0 हो गया, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हैं, W1 वायर और W2 वायर। W1 वायर में करंट की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी EP, ठीक है, यही हाई टेंशन बैटरी है, EP इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको EP बोल रहे हैं, सही है। सो EP अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 2R है, 2R। इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल r है, ये देखो यहां लिखा हुआ, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और रियोस्टेट की वैल्यू है नहीं तो 0। दूसरे वायर में, उसमें भी हाई टेंशन बैटरी, यही आपकी है EP, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें कितना है? उसको आर डैश मान लेते हैं, आर डैश, इसके बारे में वैल्यू पता नहीं है, यही निकालना है आर डैश, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर डैश, इंटरनल रेजिस्टेंस ये फिर से स्मॉल आर, रियोस्टेट है नहीं, ठीक है, तो करंट की वैल्यू ये हो गई। अब जब बैलेंस पॉइंट आएगा तो इसका EMF, जैसे वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहां पर ई इज इक्वल टू होगा आई, आई की वैल्यू कितनी है इस वाले W1 के लिए? EP/3R, EP/3R, और यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा W1 के केस में कितना होगा? 2R टोटल है, तो बैलेंस पॉइंट है L/2 पे, आधे पे, तो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस R होगा, तो ये वैल्यू यहां आर हमने रख दी, ये आर आर से कट जाएगा, EP/3 आ जाएगा E की वैल्यू। अब W2 की बात कर लेते हैं, W2 में क्या होगा? V इज इक्वल टू, V मीन्स E, यहां पर इसको E कंसिडर करो जो कि सेल लगा हुआ है, छोटा वाला, ये वाला सेल जो लगा हुआ है, ठीक है, तो E इज इक्वल टू I, I की वैल्यू EP/R' + R इंटू, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा जहां नल पॉइंट मिल रहा है? 2L/3 के हिसाब से कितना होना चाहिए? 2R' / 3, 2R' / 3 होना चाहिए, करेक्ट है। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होंगी, इक्वेट कर देते हैं तो क्या होगा? EP इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू सीधे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? EP / 3 इज इक्वल टू EP / R' + R
इंटू टू आर डैश बाई थ्री, ये आर डैश है, आर डैश है, क्या होगा, थ्री से थ्री कटेगा, ईपी से ईपी कटा, क्या आया, वन इज इक्वल टू टू आर डैश बाई आर डैश प्लस आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, आर डैश प्लस आर इज इक्वल टू टू आर डैश, ये डैश है, बार बार भूल जा रहा है, टू आर डैश है ये, तो ये आर डैश इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर हो गया, आर डैश इज इक्वल टू आर, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन आर डैश की वैल्यू निकालनी थी वो निकल गई, ठीक है, वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, किसमें, आर डैश की वैल्यू यहां पुट कर दो, जैसे ई की वैल्यू ई पी बाई थ्री है, आर डैश की वैल्यू आर यहां पुट करो, देखो कितना आ रहा है, ई इज इक्वल टू ई पी अपॉन आर डैश की वैल्यू आर, सो टू आर इंटू ऊपर भी टू आर डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहां भी आर डैश की वैल्यू आर रखेंगे, थ्री टू आर कटा, ई पी अपॉन थ्री आएगा, देखो यहां पे ई पी बाई थ्री, ये भी ई पी बाई थ्री, वेरीफाई भी हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।